आइए बच्चों, इस वीडियो में हम पाठ चार के बचे हुए मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इतिहास विषय के अंतर्गत पाठ चार शिवाजी महाराज के पूर्व का महाराष्ट्र। इसके पहले बच्चों हमने कस्बा, परगना, मौजा, गांव अर्थात मौजा, कस्बा, परगना, अकाल का संकट, इन सब मुद्दों पर चर्चा की। अब आ जाते हैं हम बचे हुए मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। जैसा कि बच्चों आप लोग वारकरी पंथ का कार्य, ये पहला इसके बाद का जो मुद्दा है, समाज पर अंधविश्वास और कर्मकांड का बड़ा प्रभाव था। लोग भाग्यवाद के अधीन हो गए थे, उनकी प्रयत्नशीलता कम हो गई थी, जनता की हालत बड़ी खस्ता थी। ऐसी स्थिति में समाज में चेतना निर्माण करने का कार्य महाराष्ट्र के वारकरी पंथ ने किया, इन संतों ने किया, जिसके बारे में हम जानकारी अभी प्राप्त करेंगे। महाराष्ट्र में संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर या संत परंपरा प्रारंभ हुई और समाज में विभिन्न वर्गों से आए हुए संतों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। इस संत परंपरा में समाज के सभी वर्गों के लोगों का समावेश था, जैसे संत चोखा मेला, संत गोरोबा, संत सांवला, संत नरहरी। यहाँ पर देखिए बच्चों, आप लोग देख रहे हैं, संत नामदेव, तुकाराम, ज्ञानेश्वर। सबसे पहला मुद्दा है जो जिस संत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे वो है संत नामदेव, जो भारत के प्रसिद्ध संत थे। इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। संत नामदेव वारकरी पंथ के सर्वश्रेष्ठ संत माने जाते हैं। कुशल संगठक और उत्तम कीर्तिकारक भी थे। कीर्तन के माध्यम से उन्होंने सभी जाति वर्गों के स्त्री पुरुष को एकत्रित कर उनमें समता की भावना निर्माण की। नाचू कीर्तनाचे रंग, ज्ञान दीप लाऊ जागी, इस प्रकार उन्होंने संसार में ज्ञान और भक्ति का दीप जलाने की उनकी यह प्रतिज्ञा थी और उसे उन्होंने बखूबी निभाया। उनके अभंग रचनाएं प्रसिद्ध थी। उनकी सीख का प्रभाव अनेक संतों और सामान्य जन पर पड़ा। संत नामदेव अपने विचारों का प्रसार करते और पंजाब गए प्रसार करते हुए पंजाब गए उनके लिखे हुए पद गुरु ग्रंथ साहब, देख लो बच्चों, में समाविष्ट है, जो पंजाब का जो सबसे पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब, उसमें इनके लिखे हुए जो पद है वो समाविष्ट है। उन्होंने भागवत धर्म का संदेश गांव-गांव में प्रचारित किया और पंढरपुर में श्री विट्ठल के महाद्वार के सम्मुख संत चोखा मेला की समाधि का निर्माण करवाया। उनका यह कार्य अविस्मरणीय है। अब आगे आ जाते हैं बच्चों, संत एकनाथ। संत एकनाथ पैठन स्थान के थे। इनकी अभग रचना गोलणी, भारूड, भावार्थ रामायण, संस्कृत ग्रंथ भागवत के भक्ति विषयक भाग का मराठी में अनुवाद बहुत प्रचलित हुआ। संत एकनाथ महाराष्ट्र के चले भक्ति आंदोलन के महान संत थे। उनकी बहुत सारी साहित्य, आपको मैंने अभी नाम कुछ बताए, उन्होंने भागवत धर्म को सरल और विस्तार में रचा, समझाया कि राम कथा के माध्यम से ही भावार्थ रामायण लोक जीवन को इन्होंने चित्रित किया। इन्होंने संस्कृत ग्रंथ भागवत में उल्लेखित भक्ति का अर्थ मराठी में स्पष्ट किया। उनके अभंगों में अपनापन का भाव था। इस प्रकार संत एकनाथ ने अपने कर्मों द्वारा, अपने शब्दों द्वारा, अपने पदों द्वारा समाज में एक नई चेतना निर्माण की। अब बच्चों हम आ जाते हैं संत तुकाराम। संत तुकाराम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। संत तुकाराम की बहुत सारी रचनाएं प्रसिद्ध है। यहाँ पर देखिए, संत तुकाराम पुणे के समीप देहू गांव में रहते थे। उनकी अभंग रचनाएं मधुर और प्रसादिक हैं। उनके अभंगों शब्दों को श्रेष्ठ कवित्व की गरिमा प्राप्त है। संत तुकाराम द्वारा रचित गाथा ग्रंथ मराठी भाषा की अमूल्य थाती है। वे त्रस्त और दुखी लोगों में ईश्वर को देखने और पाने को कहते। वे लोग कहते कि जे का रंजले गांजले त्याची त्याशी मन्हे जो आपुले तोची साधु ओढ़खावा देव तेथे ही जानावा। उन्होंने अपने इसी सिद्धांत के कारण लोगों को दिए हुए कर्ज के
ऋण पत्र इंद्रायणी नदी में डुबो दिए और तथा अनेक परिवारों को ऋण मुक्त कर दिया। उन्होंने समाज में व्याप्त आडंबर पाखंड और अंधविश्वास की कड़े शब्दों में आलोचना की। वे भक्ति के साथ नैतिकता को जोड़ने का बल देते थे। इस प्रकार बच्चों, संत तुकाराम के शिष्य, सहयोगी सभी जाति वर्गों के थे। वे मावली, गवर्नर सेठ, वाणी, संताजी जगनाड़े, सिवा, कासार, बहिणा भाई, सिवरकर, महादंजी पंत, कुलकर्णी आदि कुछ नाम हैं जो इनके सहयोगी गंगाराम पंत मावाल और संताजी जगनाड़े ने संत तुकाराम के अभंग लिख कर रखे हैं और यह उनका महत्वपूर्ण योगदान कहा जाता है। अब आते हैं बच्चों हम संत ज्ञानेश्वर जी के। संत ज्ञानेश्वर जी पैठन के निकट आपे गांव के थे। इन्होंने भावार्थ दीपिका अर्थात ज्ञानेश्वरी और अमृतानुभव ग्रंथों की रचना की। साथ ही उन्होंने अपने ग्रंथों और अभंगों शब्दों द्वारा भक्ति मार्ग का महत्व बताया। उन्होंने ऐसा आचरण धर्म बताया जो आचरण सामान्य जन कर सके। वारकरी संप्रदाय को धर्म की प्रतिष्ठा प्राप्त करा दी। उनका जीवन अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में बीता, परंतु उन्होंने अपने मन का संतुलन नहीं खोया और किसी के प्रति कटुता भी नहीं रखी। ज्ञानेश्वरी लिखित पसायदान उदात्त संस्कार करता है। संत ज्ञानेश्वर के भाई निवृत्तिनाथ और संत सोपान देव और तथा उनकी बहन मुक्ता भाई की भी काव्य रचनाएँ प्रसिद्ध हैं। अब आ जाते हैं बच्चों संत रामदास स्वामी जी के बारे में। मराठवाड़ा का गांव जाब के स्थान के निवासी हैं ये। इन्होंने रामदास जी ने बल की उपासना को महत्व दिया। मराठा तितुका मेड़ावा महाराष्ट्र धर्म बाढ़वावा उनके द्वारा दिया गया यह संदेश विख्यात है। उन्होंने दास बोध, करुणा स्टेट, मनाचे श्लोक आदि जैसी साहित्यिक कृतियों के माध्यम से जनता को व्यवहारिक जन आंदोलन और जन संगठन का महत्व बताया। समर्थ संप्रदाय की स्थापना की। चापल इस संप्रदाय का केंद्र था। इस प्रकार हमने यहाँ पर इस पाठ में उल्लेखित संतों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इन्होंने राम और हनुमान की उपासना का प्रसार किया। अपने विचारों को दूर दूर तक प्रचारित करने हेतु इन्होंने बहुत सारे भ्रमण किए, मतलब पूरे देश में इन्होंने घूमा।